उपमंडल पधर को चौहार घाटी से जोड़ने वाली पधर रोपा वाया बल्ला सड़क फागनी मंदिर के पास पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर आने से बार बार बंद हो जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने कई सड़कें बंद हो गई थी, जिस कारण सुबह यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इसी कड़ी में चौहार घाटी को जोड़ने वाला पधर रोपा वाया बल्ला सड़क भी फागनी मंदिर के पास बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा आने से बंद हो गई। इस सड़क पर करोड़ों रुपए का अवैध खनन हो चुका है, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों की आंख नहीं खुलती, जिस कारण अवैध खनन का कार्य दिन प्रतिदिन फैलता ही जा रहा है। आपको बता दें कि सड़क पर विभाग की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क पर विभाग ने ना तो नालियों का निर्माण किया और ना ही बरसात से पहले तंग मोड़ों को काटा गया। जब बरसात हुई तो सड़क की कटिंग का कार्य शुरू हो गया, जिस कारण पहले भी इस सड़क पर पुराने कई डंगे धराशायी हो गए, जिस कारण लोगों ने विभाग के प्रति अपनी आवाज़ भी बुलंद की थी और विभाग की लापरवाही का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ा। अवैध खनन से कई ब्लाइंड मोड़ को इतना खोल दिया गया कि उस स्थान पर एक साथ कई गाड़ियां गुजर सकती हैं, लेकिन अवैध खनन पर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई और न ही दफ्तरों से बाहर ये अधिकारी और कर्मचारी आज तक निकल पाए। अगर किसी गरीब लोगों ने अपने आशियाने बनाने के लिए कहीं से गटका और पत्थर निकाल दिए तो उसका चालान जरूर होगा, लेकिन अवैध खनन करने वाले बड़े ठेकेदारों का आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये सबसे बड़ी बात है। रात को ही बारिश से सड़क बंद हो गई है, जिस कारण लोग परेशान हो रहे हैं। सहायक अभियंता पधर अंशुमन सोनी ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने में विभाग ने मशीनरी तैयार कर दी है और सड़कों को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।